मंदिर कमिश्नर ते डिप्टी कमिश्नर ऊना संदीप कुमार ने आउंदी 17 अक्तूबर तो शुरू हो रहे चिंतपुर्णी नवरात्या दे मेलियां दौरान निजी लंगर लाउण ते पूर्ण पाबंदी लगाउण अते सारियां संस्थावां तो सहयोग की आस करदिआं कहा कि श्रद्धालुआं नूं करोना वायरस तो बचाउण लई लंगर ना लाउण अते प्रशासन की मदद करन। डिप्टी कमिश्नर ऊना संदीप कुमार ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि कोविड-19 वायरस के मद्देनज़र जिला प्रशासन ऊना ने उपरोक्त फैसला लिया है। उन्हें कहा कि नवरात्या के मौके मंदिर कंपलैक्स विच हवन करवाउण अते कंजक पूजा ते भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार ने कहा कि मेलिया दौरान श्रद्धालुओं के प्रसाद नारियल अते झंडा आदि चढ़ाउण तो इलावा ढोल नगारे लाउडस्पीकर अते चिमटा आदि वजाउण ते भी पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया कि श्रद्धालुओं नूं सवेरे 5 बजे तो लैके 11 बजे तक ही दर्शन कर दिते जाणगे अते दर्शन करन दे लई श्रद्धालुओं नूं परची ADB भवन शंभू बैरियर ADB पार्किंग अते MRC पार्किंग तो प्राप्त कर सकणगे। इस तों इलावा कोविड-19 दे चलदिआं रोकथाम दे लई हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन वालों भी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी अते श्रद्धालु सिर्फ चुनिया हुई थावां ते ही अपने वाहन पार्क करन। उन्होंने मंदिर दे विच आउण वाले सारे श्रद्धालुओं नूं कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करन अते एक दूजे तों दूरी बनाई रखन अते सही ढंग दे नाल मास्क पाउण दा खास ध्यान रख्या जावे दी अपील की। नवरात्रों के दौरान मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खुले रहेंगे। मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए तमाम तैयारियां कर रहा है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि इस बार कोविड-19 की महामारी के दौरान कुछ बदली हुई व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन ने बनाई हैं, जिनका आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। सभी श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची के माध्यम से ही जो है वो मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए पंक्ति में ले जाया जाएगा। दर्शन पर्ची के लिए हमने 4 जगह पर दर्शन पर्ची के काउंटर बनाए हैं, जिनकी सूचना समय समय पर आपको दे दी जाएगी। मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था बना के रख रहा है। मेरा आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जहां चिन्हित पार्किंग हो वहीं पर पार्किंग करें। इसमें इस बार नवरात्रों में लंगर भंडारे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह का रास्ते में या चिंतपूर्णी के आसपास प्रशासन जो है वो लंगर नहीं आयोजित होने देगा, जिससे कि ज़्यादा भीड़भाड़ वहाँ पर ना हो। कन्या पूजन हवन के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मंदिर में झंडे नहीं चढ़ाए जाएंगे, प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। इन बदली हुई व्यवस्थाओं के बीच में मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी आप चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शनों के लिए आए तो ट्रक और जीपों में भरकर ना आए, बसों में सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।